चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द वैली ऑफ ले। ऑलमोस्ट टाइम हो चला है 9:06। हम रेडी हो चुके हैं, सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है, रात का स्टे यहाँ पे लिया, आराम किया, कुछ भी नहीं किया था रात में थोड़ी देर के लिए। जैसा आपने देखा होगा कैफ़े में गए, थोड़ा सा खाना पीना खाया हमने, और उसके बाद आकर के 8-9 बजे या मैक्सिमम 10 बजे के लगभग बेड पे चले गए और सो गए थे। सुबह 5 बजे नींद खुल गई, लेकिन सोचा नहीं थोड़ा देर और रेस्ट करते हैं, फिर रेडी होकर के अब फ्रेशन अप होकर के अब जो है निकलने का टाइम आ चुका है। तो 9 बजे निकलेंगे अब यहाँ से, ब्रेकफास्ट करते हैं नीचे। कहाँ जाएंगे आज? तो आज का प्लान है हमारा कि हम आज जाएंगे सबसे मोस्ट डिज़ायर्ड प्लेस, जो कि हर कोई जो भी लद्दाख आता है वो ज़रूर जाता है, वो है पैंगोंग लेक। हमारा प्लानिंग ऐसा है कि हम ना पैंगोंग में रुकना नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि पैंगोंग जाएं और विज़िट करके पूरा दिन जो है वहाँ विज़िट करें, और उसके बाद फिर शाम में वापस आ करके फिर यहीं पे ले में रुकें। यहाँ एक तो यार एमिनिटीज़ वगैरह अवेलेबल हैं, प्लस अगर आपको माउंटेन सिकनेस होता है तो मतलब इनकेस होता नहीं है, लेकिन हाँ इनकेस अगर होता है तो देर इज़ अ मेडिकल फैसिलिटीज़, देर आर इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल है। तो और दूसरा यार यहाँ पे होटल्स वगैरह ना बहुत अच्छे हैं, मैं इस होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल मतलब जिस प्राइस रेंज में वहाँ पे मुझे लग्जरी होटल मिलेगा उस प्राइस रेंज में उसके आधे में यहाँ पे मिल जाए। अभी प्लान फिक्स नहीं है, हो सकता है वहाँ जा करके भी रुक जाएँ। सबसे भयानक बात इस पूरे जर्नी का यही है ना कि हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट डे करना क्या है। तो अभी फिलहाल के लिए यही सोचा है कि आज पैंगोंग चलते हैं। चलो आज पैंगोंग का रास्ता दिखाते हैं, पैंगोंग लेक का दर्शन कराते हैं आपको। देख रहे हो रूम की हालत, भाई साहब गजब फैला है ना, बैग पैक्ड है, ब्रेकफास्ट का इंतजार हो रहा है। चलो भाई शुरू करते हैं आज की जर्नी, और आज बहुत लंबा होगा, हर दिन तो लंबा ही हो रहा है, मतलब छोटा कब हो रहा है भाई। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। ले से निकलते समय अब सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले डीजल टैंक फुल करना है, क्योंकि पता नहीं अब रास्ते में कहाँ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। जब नहीं पता होना तो फुल टैंक करा लेना चाहिए, इफ एंड बट में नहीं रहना चाहिए। ऑलमोस्ट जो है पैंगोंग के करीब तो नहीं पहुंचे हैं, अभी भी 100 किलोमीटर 116-117 किलोमीटर बहुत दूर है अभी तो। ऐसा लगता है ना जैसे आप जब कभी निकलते हो घर से थोड़े दूर चलते हो तो रास्ते में है उसका घर वाली बात नहीं है। लो भैया फोन बज गया है सब। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये है पैराग्लाइडिंग, भाई अपनी हिम्मत नहीं है, यहाँ पे अगर मिस्टेक हुआ कहीं छेद हो गया आपके पैराशूट में तो आप जिंदगी का आखिरी पैराग्लाइडिंग कर रहे होगे। अब सही लद्दाख का मजा लेने के लिए तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो सिर्फ अच्छे अच्छे रोड पे चले जाएं और आप लद्दाख का मजा ले लोगे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, रियल लद्दाख तो ये है भाई। और लो भाई बहुत देर के बाद जो है बहुत अच्छा रोड आ गया, मतलब ऐसा होता है ना कि इतना खराब रोड और उसके बाद जब रोड आया तो इतना अच्छा आया कि मक्खन भाई मक्खन, मजा आ गया। कमेंडेबल जॉब है यार, कमेंडेबल जॉब डन बाय बीआरओ, क्या काम कर रही है भाई। मतलब आप रोड देख करके समझ ही सकते हो ना कि ऐसे जगह पे भी इस रोड को बनाना एक बात है और उस चीज को रेगुलर मेंटेन करना एक अलग बात है ना, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस लैंडस्लाइड तो होता ही रहता है, दैट टू इन अ कंडीशन जहाँ मुझे बोलने में अभी जो है ना सांस फूल रही है, तो समझ सकते हो कि यहाँ काम करने में कितनी हालत खराब होती हुई। तो इसीलिए जो भी लोग यार यहाँ काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट है, जो आपके चलते मतलब ये रोड इतना अच्छा बना हुआ है, जिससे हम तो घूमने के लिए आ रहे हैं, दो दिन में आएंगे घूम करके चले जाएंगे, बट यहाँ जो काम हो रहा है वो तो यार सालों साल से चले ही जा रहा है।
बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब मिलेगी बर्फ वाली पहाड़, कब मिलेगी बर्फ वाली पहाड़, और फाइनली सामने दिख गया हमें बर्फ वाली पहाड़। अब जो है मेरे ख्याल से आगे जाकर के हमें जो है ना बर्फ भी दिखना चाहिए, उम्मीद तो है, पता नहीं, हो सकता है दिखे, हो सकता है ना भी दिखे, दिख जाए तो भी अच्छा, ना दिखे तो भी अच्छा, कोई बात नहीं। बट हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है कि बर्फ अभी भी पहाड़ों पे है। भाई यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हुई थी और उसको जो है हटा दिया गया है, छोटे छोटे पत्थर जो है वो सारे तोड़ करके अब जो है रोलर चलाया जाएगा। रोलर चलाने के बाद ही जो है हमें यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हमें हो चुका है यहाँ आए हुए, और कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले ही जो पीछे रुके हुए थे वो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से इस रास्ते पे काम चल रहा है। बट 10-15 मिनट में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, रोलर चलने के बाद फिर आप गाड़ी चला सकते हो इस पे। अगर जा रहा है तो जा सकते हैं, एक बार देख लेते हैं और ट्राई करते हैं। साइड से जा, साइड से ट्राई करते हैं, साइड में रखो, एक बीच में रखो, तब जाएगा। देख लो अगर जा रहा है तो ठीक है। मोमेंटम के साथ निकालने से ना निकली गाड़ी, अदरवाइज तो यार रोल ऑन करे जा रही थी, बिकॉज स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे, अगर आप मोमेंटम नहीं लेकर के चढ़ाओगे ना तो दिक्कत है, और बहुत ज्यादा अगर आप मोमेंटम में निकाल रहे हो ना तो ये भी डर होता है कि कहीं पत्थर नीचे आपके चैम्बर में ना लग जाए, वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो ना दोनों ही चीजें ना आपको बैलेंस करके चलना है कि बिल्कुल मोमेंटम भी बना रहे और आप जो है कहीं पे ऐसा भी ना हो कि आपके चैम्बर में लग जाए। तो भाई बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है यार, मतलब लोग कहते हैं लद्दाख लद्दाख, इतना आसान नहीं है भाई, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। देख लो भाई ये हालत है यहाँ का, एक तो इतने हाइट पे, एल्टीट्यूड पे, ऊपर से यार ये रोड की कंडीशन। पता है मुझे कितनी डांट लगती है, और किस चीज के लिए डांट लगती है पता है, मैं भूल जाता हूँ यार, वीडियो लेना ही भूल जाता हूँ कि हाँ मुझे आपको भी दिखाना है। तो बार बार जो आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना अगर, तो इसमें पूरा का पूरा सौजन्य जो है वो हमारे मतलब बेटर हाफ का जाता है, जो बेटर वाला हाफ है, बाकी वर्स्ट हाफ तो हम ही है ना, आप समझ ही सकते हो। तो आगे सामने तिरंगा दिख रहा है, लहराता हुआ तिरंगा देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा। और हम पहुंच चुके हैं कहां पे, कौन से पास पे, चांगला पास। वी आर एट चांगला पास एंड एट द हाइट ऑफ 17,688 फीट। तो ये भी एक बहुत हाइट पे है, ये रहा चांगला बाबा स्थल। तो यहां चलेंगे हम, ऊपर चलेंगे और फिर तुरंत से जो है निकल लेंगे यहां से, है ना, क्योंकि यहां से अभी पैंगोंग लेक बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर। भाई साहब बात करने में भी हालत खराब हो रही है, चलो आ जाओ चलते हैं। सो ये जो है ये 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और ये रहा हमारा खूबसूरत तिरंगा, ये रहा लहरा रहा है। 17,586 है, 17,700 फीट पे जो था वो वर्ल्ड हाईएस्ट है, तो 200 मेरे ख्याल से फीट रह गया है हाईएस्ट से। तो भाई साहब चांगला पास पे ना थोड़ा सा अभी चलने पे आपकी सांस फूलती है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ज़्यादा दौड़ भाग मत करना, नहीं तो अगर एक बार सांस फूलने लगी ना तो बहुत मुश्किल होगा। मतलब बात करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप समझ सकते हो कि 17,600 फीट कम नहीं होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब होता है तो होता है, बस क्या ही बोलूँ।
एंड टेम्परेचर हियर इज 5 to 6 degrees Celsius। चलो भाई हाइट से नीचे उतरते हैं। अब यहाँ से नीचे उतर करके जो है हम पैंगोंग लेक की तरफ बढ़ जाएंगे। सामने दिखेगा ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है ना भाई, ये साथ साथ चल रही है हमारे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब रोड के किनारे किनारे नदी चल रही है। गॉड ब्लेस यू, ओहो गॉड डबल ब्लेस यू। बारिश के टाइम में मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना भाई पानी भी भर जाता है, तो मतलब पानी का क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग होती है यहाँ पे, तो कई जगह से वाटर क्रॉसिंग होती है, एक दो जगह से नहीं। आप देख सकते हो बुरबुर करके, मतलब ये पहाड़ है, बुरबुरे पहाड़ है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी बोल दिया जाएगा तो बुरबुर करते हुए आ जाएंगे, और अभी भी पानी गिर ही रहा है। ये रास्ता बहुत ही खराब है, धीरे धीरे चलो। स्पीड, अच्छा बेटा जी ऐसी बात है। इफ डिवोर्स मैरिड स्पीड, इफ मैरिड डिवोर्स स्पीड, नहीं वो तो ठीक है, वो तो समझ गए हम, इफ मैरिड तो डिवोर्स कर देंगे स्पीड को, वो तो बात सही है, लेकिन अगर डिवोर्स है कोई अच्छा, उसके लिए तो मैरिड स्पीड जैकेट ठोक लो। अच्छा ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ रोड को एकदम से ना धीरे 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 क्रॉस करते 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 फाइनली हम जो है पहुंच गए दुर्बुक, और दुर्बुक के बाद अब आगे मेरे ख्याल से पैंगोंग लेक का रोड आएगा 4-5 किलोमीटर, जैसा जीपीएस बता रही है। एग्जैक्ट पैंगोंग लेक का जो डेस्टिनेशन लगाया है हमने, अब पता नहीं कितना सही है गलत है, 47 किलोमीटर और दिखा रहा है 1 घंटे 13 मिनट। अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है हमें, मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 घंटे के लगभग में हम पहुंच जाएंगे। क्या नज़ारे हैं यार, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, आंखों में भर लेने का मन कर रहा है। मतलब क्या बताऊं, वो होता है ना कई बार ऐसा होता है कि आप ना, मतलब आपके पास ना शब्द नहीं होते इन चीजों को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, ये वही वाली फीलिंग है। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। सो यहाँ पे जो है ये टूरिस्ट व्हीकल एंट्री पॉइंट है, अब पता नहीं हमसे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं ये तो नहीं पता हमें बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, भगवान जाने, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बोला। करना है नहीं करना है एंट्री भाई, एक बोर्ड था वहाँ पे जिस पे लिखा हुआ था कि टूरिस्ट व्हीकल एंट्री पॉइंट, बट किसी ने कुछ बोला नहीं, कहीं नहीं करना। चलो भाई वेलकम टू पैंगोंग लेक। सो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया ऊपर की तरफ, आपको जाना है पैंगोंग लेक के लिए। चलो कोई भाई एंट्री वेंट्री करने के लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हमें यहाँ दिख गया ये देखो, ये है हिमालयन रैबिट, ये देखो भाई चल रहा है आराम से अपना खाना वाना खा रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जा करके भाई। और ओके वहां भी है एक बहुत सारा है।
हाँ यहाँ तो बहुत सारा है। लद्दाख आए और वाटर क्रॉसिंग ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलना ही था। तो ये रहा हमारा वाटर क्रॉसिंग और आज का पहला वाटर क्रॉसिंग है। तो किधर से लेके जाना है यार? ओह माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। बाइकर्स को अलग से सैल्यूट है मुझे तो। हालत देख रहे हो, कपड़ों का, हाथ का, गैजेट का, पता नहीं यार, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे ना मेन रोड को छोड़कर ना आपको एक ऑफ रोड ट्रैक दे दिया गया है और इसी से होके जाना है धीरे धीरे बिल्कुल ही। तो भाई साहब बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मतलब रोड की तो नामो निशान नहीं है, बस आपको ये दिख रहा होगा सामने, अब पत्थर ही पत्थर है। इसी पे से होके जाना है, अब किधर जाना है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं पता है भाई। अरे नहीं नहीं ऊपर जाना है, मैंने नीचे नहीं है, इस साइड नहीं है, नहीं उस तरफ। क्या बात कर रहे हो, उधर नहीं था? नहीं उधर नीचे था। अब लो यार ऐसा ही होता है जब आप ना अननोन टेरेन पे चल रहे होते हो ना, तो पता ही नहीं चलता है कहाँ जाना है। देखो हाँ तो कोई बात नहीं है। यहाँ से भी बहुत सारी गाड़ियाँ हालांकि गई है। हाँ रिस्की है, पर रिस्की है। ये रास्ता ही नहीं पता है यार, किधर से जाना है। उस साइड से जाना था क्या? उधर वो वाला रास्ता नहीं। साहब गजब ऑफरोडिंग है, गजब ऑफरोडिंग है। वहाँ से घूम के जा रहा है शायद ट्रेन, वहाँ से वो देखो वो रास्ता शायद वहाँ से निकले। कोई नहीं और बस कुछ ही मिनटों में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है ये पहला ग्लिम्स है यार पैंगोंग लेक का। तो भाई ये जो है ना ये लद्दाख का मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में से एक है। मतलब लद्दाख तो इन टोटो ही इतना खूबसूरत है कि क्या ही बताया जाए, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। थोड़ा समय बिताएंगे यहाँ पे क्योंकि आए इतने दूर मेहनत करके आए हैं, तो थोड़ा टाइम तो बिताना बनता है ना। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत है। सो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और ये रहा पैंगोंग लेक। भाई साहब जहां तक आपकी नजर जा रही होगी ना, वहां तक बहुत दूर तक वो रहा सांगमिक विलेज। और हम सोच रहे थे पहले कि सांगमिक विलेज ही चले जाए, फिर हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, उस साइड भी वहां नीचे जाने का रास्ता है ना, वहां पे चलते हैं पहले, वहां पे थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर अगर समय मिलता है तो फिर सांगमिक विलेज भी चलेंगे। भाई साहब जबरदस्त है ये, बहुत ही खूबसूरत है। इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि क्या ही बताऊं। वाओ क्या जबरदस्त लग रहा है यार, क्या जबरदस्त लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। पूरे करते बहुत कुछ बयां मिल।
जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा।